हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनीज वे। मेरा नाम है कनिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके लिए एक रिव्यू वीडियो लेके। तो ये रिव्यू वीडियो है न्यूट कंपनी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले भी इनके दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर चुकी हूँ अपने चैनल में, उनके फेस वॉश का और उनके लोशन का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, आप पहले वो देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज प्लीज कर दो सब। तो पिछली बार की जो वीडियो थी वो स्किन केयर के बारे में थी, बट इस बार की वीडियो जो है वो हेयर केयर के बारे में है। इस बार मैं आपके लिए दो प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, वो है शैम्पू और कंडीशनर। ये भी उनकी कैरेट सीड रेंज के ही हैं। ये भी मैंने तभी ऑर्डर किए थे जब मैंने इनका फेस वॉश और लोशन ऑर्डर किया था, उसी के साथ किए थे। बट ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर नहीं किए हैं। अगर आप मेरे बाल देख रहे होंगे तो ये काफी सिल्की स्मूथ हैं, इस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने अपनी मदर के लिए किए थे ऑर्डर, ये अपनी मॉम के लिए किए थे। तो अब मैं आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊंगी कि ये कैसा उन पे रहा है। पहले मैं आपको इनकी पैकेजिंग बता दूं कि ये कैसे हैं। ये सेम वैसी ही पैकेजिंग है इनकी जैसे उसकी थी, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, काफी हार्ड सी। सेम पैकेजिंग है जो इनके लोशन और फेस वॉश की है, कैरेट सी ऑरेंज कलर की। ये इंस्ट्रक्टर है एक साथ में, उसके मैनुअल दिया गया है जिसमें सब कुछ दिया गया है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद ऑरेंज कलर की बॉटल है कुछ इस तरह की। और इसके साथ भी आपको जिप पाउच फ्री मिल रहा है। ये शैम्पू कंडीशनर के साथ तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आप इसमें डाल दीजिए अपना प्रोडक्ट, आप भूल जाइए कि कोई टेंशन ही नहीं है कि बैग में लीक करेगा या कुछ हो जाएगा प्रोडक्ट को, तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो इसलिए बाहर तो आएगा नहीं इससे प्रोडक्ट, तो ये काफी अच्छा है इसके लिए। सेम इसकी पैकेजिंग है कंडीशनर की, वैसी ही बॉटल, वैसा ही इसका पैम्पलेट, सब सेम है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि इसके साथ भी है ये पाउच। तो मैंने पहले वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि हमारी स्किन के लिए क्या क्या करता है, तो अब जान लेते हैं कि हमारे बालों के लिए क्या क्या करता है। तो कैरेट सीड जो है वो हमारे बालों में डेंड्रफ खत्म करता है पहली बात। उसके बाद वो स्प्लिट एंड्स पे काम करता है, वो हमारे जो हमारी हेयर ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है, जो हमारा स्कैल्प है उसको किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है, कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हो रही है अगर तो उससे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जो इसका कंडीशनर है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेंगी, पोल्यूशन से बचाएंगी। तो ये कैरेट सीड जो है वो हमारी स्किन के लिए अच्छा तो है ही है, साथ ही साथ हमारे बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इधर मैंने अपनी मदर की एक वीडियो आगे अपलोड की है, आप वो देख लीजिए पहले कि कैसे उनके बाल इसके वॉश करने से पहले थे और कैसे उसके बाद कितने मतलब फ्रिज फ्री हो गए हैं, आप खुद देख लीजिए। तो गाइज ये मेरी मम्मा के बाल हैं, आप देख सकते हैं ये कितने रफ, डल और अनमैनेजेबल हैं, इनमें बिल्कुल शाइन नहीं रही हुई है। और अब आप देखिए ये वॉश करने के बाद के हैं, ये सेकेंड टाइम इन्होंने वॉश किया था, देखिए कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, ये देखिए कितने सिल्की हो चुके हैं, फ्रिज फ्री हो चुके हैं। फूट नहीं किया था ये सेकेंड बार उन्होंने जब वॉश किया, तो आप देख सकते हैं कि कितना चेंज था उनके बालों में। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है ये वर्क कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप कोई अच्छा सा शैम्पू ढूंढ रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी MRP की बात कर लेते हैं, तो इसके शैम्पू की MRP है कुछ 640, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये प्लास्टिक की बॉटल है ऑरेंज कलर की, ऊपर ये कैप दिया गया है, लॉक कैप है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा सेम बॉटल है जैसे इसकी फेस वॉश और लोशन की है, सेम बॉटल है कंडीशनर की भी, ऑलमोस्ट सेम बॉटल है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, मतलब प्रोडक्ट अलग है और MRP अलग है।
कंडीशनर की MRP है 610 रुपीज, और ये 2 साल की शेल लाइफ के साथ है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, सनफ्लावर ऑयल, सीड ऑयल, विटामिन ई, प्रो विटामिन B5, सिट्रिक एसिड, ग्लिसरीन एंड प्यूरिफाइड वाटर। यार इनकी इस कंपनी की मुझे सबसे सही बात ये लगी कि इसमें की इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मतलब आपसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो है सामने है भाई, आप पढ़ लीजिए और फिर देख लीजिए कि आपको लेना है या नहीं। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी इनकी। ये भी 30 ml प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये काम कैसे करता है, ये इसने बहुत अच्छा काम किया है यार, मेरी मम्मा के बालों पे तो इसने काफी अच्छे से काम किया है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप कोई शैम्पू ढूंढ रहे हैं वो भी रीजनेबल रेट पे, वरना तो अगर हम हाई कंपनीज पे जाएं तो उनके रेंज भी हाई हो जाती है, ये अफोर्डेबल है, आपको सेल भी मिल जाएगी, कुछ डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं इनकी साइड पे भी। तो अगर आप कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे हैं कम प्राइस में तो आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए एक बार, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इन फ्यूचर मैं भी अपने लिए ये जरूर ट्राई करूंगी, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मेरे कहने पे कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगे। तो दोस्तों अगर यहाँ टेक्सचर की बात है तो मैं आपको वो बता देती हूँ वो कैसे है, पहले शैम्पू को बता देती हूँ। ये लॉक यहाँ से खोला, इसको ट्विस्ट किया और ये कुछ इस तरह का है, ये देखिए रनी है काफी, इतना लेदर नहीं करता है, मैंने अपनी मॉम से पूछा था तो इतना लेदर नहीं करता है, थोड़ा प्रोडक्ट बट आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देगा। यार इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये आपके ना जो नेचुरल ऑयल्स हैं उसको रिमूव नहीं करता है, मतलब आपके स्कैल्प को बिल्कुल ड्राई नहीं कर देगा जो बहुत सारे शैम्पू करते हैं, तो ये काफी अच्छा है। और ये रहा इसका कंडीशनर, उसका टेक्सचर कुछ ऐसे क्रीमी है, जितना क्रीमी टेक्सचर होगा उतना अच्छा से कंडीशनर स्प्रेड हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी माइल्ड और इतनी स्मूदिंग है कि मतलब लगाकर कि मन कर रहा बस मेरे बालों से भी ऐसी खुशबू आती रहे। सीरियसली गाइस बहुत अच्छी खुशबू है। दोस्तों ये कौन से हेयर टाइप के लिए सुटेबल है, ये हर हेयर टाइप के लिए सुटेबल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऑयली वाले नहीं लगा सकते या नॉर्मल वाले, ये हर कोई लगा सकता है। ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज की वीडियो बस इतनी ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ऐसी रिव्यूज आगे देखना चाहते हैं या किस प्रोडक्ट का रिव्यू आप देखना चाहते हैं। टिल देन बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।